सैदपुर तहसील क्षेत्र से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। निजीकरण के विरोध में लगातार पांचवें दिन भी गरजे विद्युत कर्मी। कहा, निजीकरण के कारण बिजली का प्रयोग नहीं कर पाएंगे गरीब किसान व मजदूर। सैदपुर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में सोमवार को भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में सैदपुर स्थित विद्युत वितरण खंड तृतीय कार्यालय में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान लगातार पांचवें दिन सोमवार को जिले में उपखंड स्तर पर 9 स्थानों को चिन्हित करके शाम 4 से 5 बजे तक विरोध सभा की गई। सविंदा कर्मचारी अध्यक्ष सुरेश सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा निगम के निजीकरण किए जाने के निर्णय पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो गरीब किसान मजदूर आदि बिजली का उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि निजी कंपनियां कोई भी काम सिर्फ अपने लाभ के लिए करती हैं। कहा कि कंपनियां अपना हित सोचेंगी, जिससे बिजली बिल बेहिसाब महंगा होगा। हम सभी 9 सितंबर की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए प्रत्येक विद्युत कर्मचारी अपने घरों, दफ्तरों, पावर हाउस में 9 मिनट के लिए लाइट बत्ती बंद कर मोमबत्ती, दिया व मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर साथ में ताली व थाली बजाकर अपना विरोध जताएंगे। साथ ही कहा कि अगर सरकार ये फैसला वापस नहीं लेती है तो संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अभियंता आशीष चौहान, सविंदा मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष सुरेश सिंह, अनुराग सिंह, कनिष्ठ अभियंता मोहन लाल, नथुराम, पत्तू यादव, ए के सिन्हा, पंकज जायसवाल, सुनील यादव आदि रहे। तहसील सैदपुर से मोहम्मद इसरार, बिजली विभाग कर्मचारी जो कि धरना पर बैठे हुए हैं और मैं उनकी समस्या सुनने और उनके दर्शाने आए हैं। आइए हम उन कर्मचारियों से बात करते हैं। इस वक्त जिस निजीकरण विरोध में कहना चाहता हूँ, जब हमने जो है कि विभाग में आने की सोची, हमने विभाग में फॉर्म भरा तो हम ये जानते थे कि निगम आए हमारा जो है कि सरकार के अधीन है। इस तरह हमने लोग ने जो है कि इसमें एंट्री की, फॉर्म भरा और जो है नौकरियाँ की शुरुआत की। लेकिन अब जो है सरकार जो है निजीकरण कर रही है तो उसका मैं खोर विरोधी कर रहा हूँ कि जो है कि अब हम जब सरकारी तौर पर फार्म भरे हैं तो काहे हम निजीकरण तरफ धकेले जाएं, काहे हम जो है कि किसी प्राइवेट आदमी के अधीन काम करें। इसका मैं जो है खोर निंदा और विरोध करता हूँ। जब हम सरकार चुन रहे हैं सरकारी, तो हम क्यों को प्राइवेट हैं, क्योंकि सरकार प्राइवेट होती है। तब फिर कब तक आप अपना धरना? अभी हम जो सांकेतिक धरना चला रहे हैं 4 बजे से 5 बजे तक। 9 सितंबर तक हमारा धरना चलेगा। 1 तारीख शुरू हुआ है धरना, 9 सितंबर तक चलेगा हमारा धरना। उसके बाद जैसा ही गेंद कारणी का जो सदस्य का जो हमारा निर्णय होगा वो हम उसका आगे फॉलो करते रहेंगे और जो है कि अपनी मांगे मनवाते रहेंगे, जब तक सरकार जो है कि झुक ना जाए हमारे इन मांगों के आगे और हमारी मांगे मांग ना ली जाए। आइए हम बिजली विभाग को रिश्त बाबू से बात करते हैं, सुरेश सिंह से। जी जी, मैं भाई हेलो से आप आए हैं सभा में, आपका स्वागत करते हैं, साधु बात करते हैं। और मेरा जो स्ट्राइक है, मेरी स्ट्राइक जो है अभी गाइडलाइन के अनुसार 9 तारीख तक चलेगी। संघर्ष समिति के आह्वान पे, केंद्रीय नेतृत्व के कहने पे गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद 9/9/2020 तक ये संघर्ष हमारा 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जारी रहेगा। 9 तारीख को 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए हम जो है अपने घर की बत्ती भूल करके, टॉर्च जला के, मोबाइल की फ्लैश लाइट जला करके और थाली ताली बजा करके इस विरोध प्रदर्शन का हम लोग जबरदस्त विरोध करेंगे और सरकार के कान में ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसी रास्ते पे चलते हुए मैं आपके विरोध से आ गया। मैं आपको 9:09 से पौने घर का लाइट आप लोग बताएंगे, पूरे सैदपुर नगर का या पूरे गांव का? नए बिजली कर्मी बहुत बहुत धन्यवाद।